नमस्कार, दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको हमारे दक्षिण में जो राज्य है केरल, उसके ऊपर एक कविता सुना रही हूँ। सुनिए। श्रीफल का भंडार है केरल, इसी की खेती होती है। सागर तट की सुंदरता सबका मन हर लेती है। श्रीफल का भंडार है केरल, इसी की खेती होती है। सागर तट की सुंदरता सबका मन हर लेती है। कटहल, केला, काजू, आम दिखते घर घर उद्यानों में। इला, जायफल, लौंग, मिर्च भरपूर यहाँ बागानों में। कटहल, केला, काजू, आम दिखते घर घर उद्यानों में। इला, जायफल, लौंग, मिर्च भरपूर यहाँ बागानों में। कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रांत की ऊंची शान। शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे बनी राष्ट्र में है पहचान। कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रांत की ऊंची शान। शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे बनी राष्ट्र में है पहचान। शीशम, सागौन भरे जंगल, पेड़ रबर के उगते हैं। दरी गलीचे बने यहाँ के सबका मन मोहित करते हैं। शीशम, सागौन भरे जंगल, पेड़ रबर के उगते हैं। दरी गलीचे बने यहाँ के सबका मन मोहित करते हैं। चावल, मछली, प्रिय भोजन, सादे जीवन में विश्वास। सभी पंथ के पूजा स्थल गांव गांव के होते पास। चावल, मछली, प्रिय भोजन, सादे जीवन में विश्वास। सभी पंथ के पूजा स्थल गांव गांव के होते पास। प्रमुख पर्व है यहाँ का ओणम, लेकर आता नई बहार। पूरब पर्व यहाँ पर मनता, हाथी सजते कई हजार। प्रमुख पर्व है यहाँ का ओणम, लेकर आता नई बहार। पूरम पर्व यहाँ पर मनता, हाथी सजते कई हजार। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, कोचीन प्रमुख है बंदरगाह। शोभा निखरने केरल की हर मन में होती है चाह। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, कोचीन प्रमुख है बंदरगाह। शोभा निखरने केरल की हर मन में होती है चाह। इस कविता के रचयिता हैं महेश चंद्र सक्सेना जी। धन्यवाद।